सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। और आज हम फिर से खेलने वाले सोलो वर्सेस स्क्वाड काफी टाइम के बाद, और वो भी क्रोनो कैरेक्टर के साथ। अब आप बोलोगे क्रोनो कैरेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, तो एक बार एक ये मेरी मैच हिस्ट्री देखो यार। मैं कितना ट्राई किया सोलो वर्सेस स्क्वाड में वुकोंग के साथ, लेकिन जो मर रहा था ना कसम से उतरते ही उतरते ही। आप बोलोगे बात भाई ये तो फेक है, तो चलो देखो। ये मैंने सोलो वर्सेस स्क्वाड स्टार्ट किया, उसके बाद मैच मेकिंग लग गई, इधर उतरा बंदे को डाउन किया, फिर देखा सोनिया है, दिमित्री चालू करके मेरे को मार दिया। कोई नहीं, ये तो एक बार है, एक और वीडियो देखा था। देख फिर से सोलो वर्सेस स्क्वाड स्टार्ट किया, उतरा, वुड पैकर मिली, उसको ट्रोगन मिली, उसने पूरा भर दिया। फिर मेरा दिमाग हुआ खराब, मैंने कहा भाई अब तो लेना ही पड़ेगा भाई वो कैरेक्टर जिसने 2020, 21 और 22 में सबको रुला दिया था। मतलब यार बंदे कसम से रैंक में तो खून के आंसू रोए थे ये कैरेक्टर की वजह से, इतना रो दिए थे ना कि भाई इस पे क्रोनो है, इस पे क्रोनो है। तो भाई मैंने सोचा चलो कुछ पुराने दिनों की यादें ताज़ा की जाए और थोड़ा एक बार क्रोनो कैरेक्टर लेके खेलते हैं। तो फिर मैंने एक वीडियो बनाया क्रोनो कैरेक्टर के साथ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइज यहाँ पे मैं उतर चुका हूँ पिक पे और अब आराम से लूट वूट करता हूँ, उसके बाद बंदे मारने चलता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैं जा रहा था और मेरे को एक बंदा मिला, तो इस पर थोड़े शॉट मिस हुए क्योंकि क्रोनो अभी नया नया यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा काफ़ी टाइम के बाद मतलब। और इसको मैंने डाउन कर लिया, अब हाथ सेट हो चुके हैं, एक किल किया ना हाथ सेट हो जाएंगे। इस पर दूसरा बंदा आया, ये भी गया, अब इसको आराम से मैं फिनिश लूँगा और उसके बाकी दो बंदे आते ही होंगे। क्या पता रिवाइव करने भी भाग गया हो। फिर मैंने देखा कि इसको रिवाइव कर दिया बंदे ने इधर पिक में से ही रिवाइवल पॉइंट के, और उसके बाद ये बंदे तो भाग गए, फैल को लगाया हुआ था इसलिए मतलब बच गए, गोली नहीं लगी। फिर मैं यहाँ आ गया, यहाँ पे फुटस्टेप का आवाज़ आ रहा था इसलिए मुझे पता था कि यहीं से ही बंदा आएगा, और ये आ गया। और ये तो सीधा सीधा आ रहा था, इसको मार दिया, लेकिन इसने मेरी काफ़ी HP कम कर दी। मुझे लगा मैं यहाँ पर मर ही गया, लेकिन क्रोनो ने कैसे भी बचा लिया। और अब ये तात्सुया यूज़ करके आएगा, देखना 100%। और ये तात्सुया लेकिन आया, लेकिन जितनी स्पीड से आया उतनी ही स्पीड से चला गया ये। अब एक ही बंदा बचा है, मैं आराम से हील विल कर लेता हूँ, इनको पहले पूरा फिनिश करता हूँ। इसको फिनिश कर दिया, एक इसको फिनिश कर दिया, अब एक आखिरी बंदा ही बचा है इधर। यहाँ आसपास ही होगा वो बंदा, क्योंकि रिवाइव करने के लिए तो उसको यहीं से आना पड़ेगा। क्या पता वो कैंपर हो तो भाग जाएगा। नहीं, यही बंदा है, अच्छा बंदा है, चलो। और ये आ गया बंदा, ये अब तो 100% मरने वाला है, दोनों पे मैक्स 7 है, लेकिन मेरी कुछ ज़्यादा ही अच्छी चलती है। अब थोड़ा फ्लैक्स कर लेता हूँ 1v4 का, और चलते हैं नीचे पिक की साइड और बंदे मारने के लिए। तो गाइज मैं पिक के नीचे की साइड आ चुका हूँ सीमेंटेड के हाउस के पास, और यहाँ पे एक बंदे को मैंने फिनिश कर दिया, वो आखिरी बचा था। और नीचे वाला भी स्प्रे में आ गया और वो भी डाउन। और इस पर एक फ्रीज बैंक डालता हूँ और उससे ही वो फिनिश हो जाएगा। और यहाँ पे भाई डैमेज तो पड़ा है, वो फिनिश हो जाना चाहिए, मैं अभी हील कर लेता हूँ। तो चलो गाइज उसको मैंने फिनिश कर लिया है, अब नीचे की साइड चलते हैं उसके बाकी के टीममेट को मारने के लिए। गाइज ये दो बंदे बाइक लेके आ रहे थे और ये तो गलत ही उतरा, उसको लगा हुआ उतर के ही मेरे को मार देगा, उसका तो पोपट हो गया भाई, उसको जो हेड पड़ा है ना कसम से, और इसको फिनिश कर दिया। और अब गाइज मैं ऊपर देख रहा था कि इसके बंदे ऊपर रिवाइव के आते होंगे, लेकिन ये तो रिवाइव ही हो गया था। और इसको देखो भाई जो रिफ्लेक्स से हेड पड़ा है ना कसम से, ये स्पेक्टिंग वाला बंदा भी इमोजी भेज रहा था, मुझे लगा हैकर वैकर ना समझे, फालतू में रिपोर्ट मार दे। और अभी तो पता है ना रिपोर्ट मारने से ID बैन जल्दी हो जाती है, ये करेना वाले सीधा भाई पागलों की तरह ID बैन कर देते हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए अब सोचा कि अब बॉडी बॉडी मारना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे फाइट हो रही थी गंदी वाली दो स्क्वाड की, तो मैंने सोचा कि ऊपर ऊपर से ही मारूंगा। और फिर मैं घर के ऊपर चला गया, एक लैंडमाइन लगा गया यहाँ पे, मुझे लगा बंदे आएंगे लेकिन बंदा आया ही नहीं। और अब फिर से यहाँ पे आ गया मैं, और मेरे को फुटस्टेप आया और देखा तो नीचे अभी अभी उतरा हुआ एक बंदा था, इसको मैंने मैक्स 7 से डाउन कर दिया और फिनिश कर दिया। चलो अब फिनिश कर देते हैं। उसके बाद फिर मैं वेट कर रहा था बंदों का, तो मैं देख रहा हूँ कि बंदे उड़ उड़ के जा रहे हैं, तो फिर अब यहाँ रहने का मेरे को कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि किसी बंदे ने रश ही नहीं किया यहाँ पे। तो फिर मैं यहाँ पे आ गया और दो स्क्वाड की फाइट चल रही थी, ये उन पर रश करने जा रहे थे और मैंने उसको डैमेज दिया। और उसके बाद देखा कि दोनों साइड से बंदे काफ़ी है, तो फिर मेरे को अगर खड़े रह के मारूंगा तो क्या पता मैं सीधा मर भी जाऊँ। बाकी रिवाइव का तो और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसे ओपन में खड़ा था और मेरे को राइट वाले बंदे का जिसका डर था वो वही हुआ, उन्होंने देख लिया और जो मार रहे थे ना भाई क्रोनो वोनो एक सेकंड में दौड़ दिया। फिर मेरे को यहाँ नीचे आना ही पड़ा, और उसके बाद यहाँ आके मैंने ग्लूवल लगा दी और अब आराम से नीचे जाके हील कर दिया। भाई बंदे मॉन्स्टर मॉन्स्टर लेके आ गए थे। उसके बाद ये बंदा देखा कि जोन में आ रहा है, तो इसके मैंने बॉडी 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 मार के डाउन कर दिया। फिर मुझे लगा कि बंदे सीधा आएंगे, लेकिन फिर भाई यहाँ से देखा तो सीधा MP40 लेके भाई बंदे ने पूरे MP40 उतार दी, और उसने फ्रीज बैंक भी डाल दिया, तो फिर बचने का तो कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जो भी गो, बाकी गेम से तो ये क्रोनो वाली गेम काफ़ी अच्छा गई। तो अब नेक्स्ट बाकी सारे वीडियो अब क्रोनो कैरेक्टर लेके ही खेलूंगा, जब तक कोई दूसरा नया कैरेक्टर ना आ जाए। बाकी बताना कि आपका अभी का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है और पुराना फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, पता है भाई कि आप लोग आलोक ही बोलोगे। और बताना कि वीडियो कैसा लगा, तो
तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।